हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। इसके पहले मैंने ट्राइंगल्स पे एक और वीडियो बनाया था, आई होप वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। और आज हम लोग ट्राइंगल्स के ही पार्ट टू में कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। जिन बच्चों ने इसके पहले ट्राइंगल्स के पार्ट वन को नहीं देखा है, मैंने उसमें बेसिक टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ट्राइंगल्स समझाए थे। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज आगे हो सकता है आगे ट्राइंगल्स चैप्टर में आपको उन बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हो। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच दैट वीडियो। आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ और हमारे आज के टॉपिक की तरफ, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। बट बिफोर दैट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी चाहिए, देन यू हैव टू subscribe and hit the bell icon. So let's start with our today's topic, that is congruency of triangle. First of all, what do you mean by congruency? Congruency is a basic concept of relation between two triangles. As you can see over here, there are two triangles given, ABC and PQR. Yahan pe hamare paas do triangles given hai, ABC aur PQR. And congruency means, what do you mean by congruency? Let's first write the meaning of congruency. Two triangles are said to be congruent. Yani do triangles ko hum log congruent sirf aur sirf tab keh sakte hain, when they are exactly of the same shape and same size. दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी कहला सकते हैं जब उन दोनों का शेप और साइज दोनों ही चीज़ें एग्जैक्टली इक्वल हो। जैसा कि आप यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स के केस में देख सकते हैं, इन दीज टू ट्राइंगल्स द साइड ए बी इज इक्वल टू द साइड पी क्यू। आई हैव मेंशन्ड द साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। This symbol means that this side and this side are equals. The lengths of AB and PQ are equal. Then the side BC is equal to side QR. It has been given over here. And then the side AC is equal to PR. तो हमारे पास इस इन दो triangles में given AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AC is equal to PR. Clearly given है कि ये sides आपस में equal हैं. Then मैंने अभी congruency का मतलब बताया. Congruency is a relation between two triangles or more than two triangles. And two triangles are said to be congruent when, I mean, congruent कब कहेंगे? When they are exactly of the same shape and size. आप देख सकते हो कि दोनों एग्जैक्टली सेम शेप के हैं और सेम साइज़ के हैं, हम लोगों ने साइज़ मैच कर दिए। अब सिर्फ साइड्स के लेंथ इक्वल होने से काम नहीं चलेगा, हमें जब भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, देन वी मस्ट ऑल्सो नो दैट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। नाउ वॉट आर दीज एंगल्स? यू कैन सी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, Angle B is equal to angle Q. आप इन सिम्बॉल्स के मदद से समझ सकते हैं कि ये आपस में इक्वल है, इट हैज़ बीन गिवन। Angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. तो किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए या उनके कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं एंड जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम इक्वल। दैट इज़ आप देख सकते हो यहाँ ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। ऑल्सो देयर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। दिस इज़ वेरी क्लियर नाउ। नाउ ऑल्सो देयर इज़ अ प्रॉपर्टी इन कॉन्ग्रुएंसी दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज़ दे आर एग्जैक्टली ऑफ सेम शेप एंड साइज, देन इफ यू सुपर इम्पोज वन ऑफ द ट्राइंगल ओवर अनदर। सुपर इम्पोज का मतलब अगर एक ट्राइंगल को उठा के हम लोग दूसरे ट्राइंगल के ऊपर इमेजिन करते हैं कि हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, देन इट विल एग्जैक्टली कवर इट। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा सकता हूँ, जैसे मेरा ये राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है, दे आर एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट।
अगर मैं अपने राइट हैंड के ऊपर इस लेफ्ट हैंड को रख रहा हूँ तो ये एग्जैक्टली कवर हो जा रहा है, आपको मेरे पीछे का ये राइट हैंड दिखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये एग्जैक्टली इसे कवर कर रहा है और सुपर इम्पोज कर रहा है। दैट इज़ द सेम केस अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर देगा, पूरी तरीके से कवर कर देगा एंड दे विल बी ऑफ द सेम शेप एंड साइज, यू कैन क्लियरली रिकोगनाइज दैट। नाउ इसी चीज़ से करस्पॉन्डिंग का मतलब निकलता है व्हेन यू सुपर इम्पोज दम, क्योंकि जब आप सुपर इम्पोज कर रहे हैं दो ट्राइंगल्स को, जैसे कि मैं अपने इन दोनों हाथ को सुपर इम्पोज कर रहा हूँ, देन दिस फिंगर इज इक्वल टू दिस फिंगर इज इक्वल टू दिस फिंगर एंड एवरी फिंगर मस्ट सुपर इम्पोज द करस्पॉन्डिंग फिंगर। अगर मैं इस हाथ को ऐसे कर दूँ और फिर रखूँ तो ये गड़बड़ हो गई ना। तो हमें करस्पॉन्डिंग का मीनिंग समझना होगा कि करस्पॉन्डिंग का मतलब है किस साइड को किसके ऊपर रखना है। जैसे ए बी जो है वो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है बिकॉज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो अगर आप सिर्फ सेम इसी साइड इस तरीके से रखेंगे तो ही काम होगा। और इसी वजह से जब हम लोग किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं देन वी राइट इट एज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मीनिंग इसमें जो ऑर्डर हम लोग ये मेंशन कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, नहीं। आप अगर ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर लिखोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा बिकॉज इनकॉन्ग्रुएंसी द ऑर्डर मैटर्स। ऑर्डर का मतलब जब मैं यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी लिख रहा हूँ, इट मीन्स दैट ए इज़ करस्पॉन्डिंग टू पी, बी इज़ करस्पॉन्डिंग टू क्यू एंड सी इज़ करस्पॉन्डिंग टू आर। तो करस्पॉन्डिंग बहुत मैटर करता है कि एंगल ए जो है वो पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर और सी आर के बराबर। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग। इट ऑल्सो मीन्स दैट द साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू, साइड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। सो दैट्स हाउ करस्पॉन्डिंग मैटर्स। और आप जिस ऑर्डर में लिख रहे हो उस ऑर्डर में एग्जैक्टली द सेम करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। सो दिस इज़ द कम्प्लीट मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दैट कभी भी दो ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। रिमेंबर द करस्पॉन्डिंग पार्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड वेन एवर यू राइट इट डाउन दिस इज द सिम्बॉल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। दिस इज द सिम्बॉल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड यू वेन एवर यू राइट इट डाउन, वेन एवर यू पुट इट डाउन, देन यू मस्ट write it down in this way such that the order of the two triangles are same, the corresponding order is the same. I hope I have made my point clear. Please note it down and we'll move further how to prove two triangles congruent and what are the criteria related to congruence of triangles. Please note it down. Now let's move forward to understand how do we prove two triangles that they are congruent. अभी मैंने बताया दैट व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑल द साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट इज ऑल द सिक्स एलिमेंट्स, दैट इज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर इक्वल इन टू ट्राइंगल्स। दीज सिक्स एलिमेंट्स आर इक्वल। कभी भी दो ट्राइंगल्स को अगर हम लोग कहते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट तो उनके छः एलिमेंट्स हैं वो छः एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, दैट इज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। बट इन ऑर्डर टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स डू वी नीड टू प्रूव ऑल द सिक्स एलिमेंट्स इक्वल, डू वी रियली नीड टू डू दैट? नो, द आंसर इज क्लियरली नो, हमें उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द क्राइटेरिया फॉर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। वी आर गोइंग टू स्टडी द क्राइटेरिया फॉर दैट, criteria for congruence of triangles. Now, आज के क्लास में हम लोग हमारे बुक के हिसाब से दो क्राइटेरियाज को देखने वाले हैं, हालांकि आगे के क्लासेस में हम लोग और दो क्राइटेरिया सीखेंगे, बट आज के क्लासेस में हम लोग मेन दो क्राइटेरियाज पे फोकस करने वाले हैं एंड आवर फर्स्ट क्राइटेरिया इज SSS क्राइटेरिया। It means side. SSS means S stands for side. Means you just have to prove that the three sides of this triangle and this triangle
are equal to each other and they will be proved congruent. You don't need to prove the angles are equal. You just need to prove that the three sides of this triangle is equal to these, the three sides of this triangle, and the triangle will be proved congruent. Let me show you how it is done. These are two triangles given. If we write AB is equal to PQ, BC is equal to QR, and AC is equal to PR. That is done. इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है. आप लिख सकते हो इसके बाद by SSS congruency rule या criteria जो आप लिखना चाहो, by SSS congruency rule, triangle ABC, मैंने बताया था order बहुत ज़रूरी है, किस order में आप लिख रहे हो. अगर आप ऐसे ABC लिख रहे हो तो उसी order में, जिस order में ये इसको सुपर इम्पोज करे, उसी सेम order में आपको लिखना है. दैट इज़ ट्राइंगल पी क्यू आर. ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. दैट्स इट. इससे ज़्यादा किसी तरह के मेहनत की ज़रूरत नहीं. यानी कि मैंने बताया कि एक्चुअल में जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो छः एलिमेंट्स इक्वल हैं. दैट इज़ उनके तीन साइड्स और तीनों एंगल्स, इनके तीनों एंगल्स भी इक्वल है. लेकिन यू डोंट नीड टू प्रूव दैट एवरी टाइम कि हाँ ये तीनों एंगल्स भी इक्वल है, तीनों साइड्स भी इक्वल है. अलग अलग क्राइटेरिया होंगे. जैसे मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया बताया SSS. आप अगर सिर्फ तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं दोनों में, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट. ऑटोमेटिकली द एंगल्स विल बिकम ऑल्सो इक्वल. ठीक है, यू डोंट नीड टू प्रूव द एंगल्स टू बी इक्वल. दैट इज़ द फर्स्ट SSS क्राइटेरिया. वेरी ईजी. यू जस्ट हैव टू प्रूव दैट द साइड्स ऑफ द टू triangles, the corresponding sides are equal, and you can easily write that these two triangles are congruent to each other. That's it. Quickly इसे note down कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं हमारे next criteria की तरफ, फिर कुछ questions से deal करते हैं. Okay, let's move to a second criteria, that is SAS congruency rule. And what does this means? Let's understand. Let's consider that we have two triangles given over here as ABC. Again, pardon me for the diagrams, not so exact, but I'm still trying. And this is DEF. So there are two triangles ABC and DEF given, and it has been given that AB is equal to DE, angle B is equal to angle E, and BC is equal to EF. Now let's understand the SAS congruency rule. SAS congruency rule, here S means side, A means angle, and again S means side. So SAS congruency rules means you don't have to prove all the six elements, that is three sides and three angles, to be equal. You just have to prove one side, one angle, and another side. You just have to prove that two sides are equal and the corresponding including angle between them. Now let us understand it in detail. SAS congruency rule, according to SAS congruency rule, we have to prove that two sides are equal, and the main condition given over here that the angle which we have to prove, jis angle ko hame dikhana hai ki dono mein equal hai, वो उन दोनों साइड्स के बीच के ही होने चाहिए. दैट इज़ इंक्लूडेड होने चाहिए. जैसे कि इन इस एग्जांपल के थ्रू समझे, यहाँ पे ए बी इज़ इक्वल टू डी, बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ. नाउ यहाँ पे आपको एक एंगल जो प्रूफ करना है वो क्लियरली एस और एस के बीच में है. इट मीन्स दैट जो एंगल आपको प्रूफ करना है वो उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल ही होना चाहिए. आप और किसी एंगल को प्रूफ नहीं कर सकते. यानी कि अगर आप ए बी और बी सी साइड्स को प्रूफ कर रहे हो आपस में इक्वल, तो उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल जो है, दैट इज़ इसमें एंगल बी है और इसमें एंगल ई है, इन दोनों को ही आपको आपस में इक्वल प्रूफ करना है. दैट इज़ जब भी आप दो साइड्स ले रहे हो, कोई भी दो साइड्स ले रहे हो, यहाँ पे मान लेते हैं पी क्यू आर. तो अगर आप पी क्यू और क्यू आर ले रहे हो तो उसके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, आपको इसी इंक्लूडेड एंगल को इक्वल प्रूफ करना है. आपके लिए ये केस ओपन नहीं है कि आप पी क्यू और क्यू आर को इक्वल प्रूफ कर रहे हो और एंगल आर ले लिया. नहीं, ये गलत हो जाएगा. आपको एंगल क्यू को ही प्रूफ करना होगा, दैट एंगल क्यू इज़ इक्वल. ठीक है, तो SAS congruency rule कहता है that two sides and one included angle. इसका बहुत clear meaning है, two sides and one
इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम। ये जो एंगल हमें यूज़ करना है ये उन दो साइड्स के बीच के ही होने चाहिए, कोई और एंगल नहीं चलेगा। दिस इज़ द ओनली पॉइंट इम्पॉर्टेंट। सो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन सी दैट ए बी इज क्लियरली इक्वल टू डी ई, देन द एंगल विच इज़ द एंगल एंगल ए बी सी, दिस इज द एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं एस ए एस यानी साइड एंगल एंड साइड। नाउ वी कैन राइट दैट बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, आपको सेम इसी तरीके से लिखना है, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अगेन सेम ऑर्डर में लिख रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप लोग एस ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हो। ज़रूरी क्या है कि जो एंगल होना चाहिए वो उन दो साइड्स के बीच का ही होना चाहिए। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर, प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ गिवन ओवर हियर दैट ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलैटरल इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी। इट क्लियरली मीन्स दैट इस क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी में ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी सी। नाउ अनदर थिंग, ए डी इज इक्वल टू सी डी विच मीन्स ए डी जो साइड है वो सी डी के बराबर है। Another thing, let's note it, AD is equal to CD. Quick, जैसे जैसे आप देखते जाओगे जो जो आपके पास आ रहा है उसे नोट डाउन करते जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। AD is equal to CD. Show that BD ये जो डायगनल है आपको शो करना है दैट द BD bisects both angles ABC, यानी कि BD जो साइड आ रहा है, जो BD डायगनल आ रहा है, ये एंगल ABC को bisect कर रहा है, आपको प्रूव करना है। यानी कि कह रहा है कि इन ए बी सी को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, आपको ये प्रूफ करना। इट बाइसेक्ट्स बोथ एंगल्स ए बी सी एंड ए डी सी, एक और एंगल साथ में ए डी सी, ए डी सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों चीज़ आपको प्रूफ करना है। ये देखते हैं कैसे प्रूफ करता है। बड़ा सिंपल सा केस है, आप ट्राइंगल्स पढ़ रहे हो, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको देखना है कि कौन से दो ट्राइंगल्स, अगर आपको इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है इन दो एंगल्स को, तो कैसे करोगे। सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। अगर आपने एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो CPCT से, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट से, ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। लेट्स सी, हमें पता है दैट AB इज इक्वल टू BC है, AD इज इक्वल टू CD है, AB BC के बराबर है, AD CD के बराबर, एंड BD इज कॉमन इन देम, दैट इज BD इज इक्वल टू BD। BD जो है वो कॉमन है, दैट इज BD इज इक्वल टू BD। अब इसे हम लोग दो ट्राइंगल्स के तौर पर देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल हो गया ए बी डी, आप लिख दो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी डी, दो ट्राइंगल्स ले लो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, ये दो ट्राइंगल आपके पास बन गए। ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी सी डी में क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, एंड बी डी तो कॉमन ही है, बी डी इज कॉमन इन बोथ, यानी इक्वल है। देयरफॉर आप लिख सकते हो by SSS rule, by SSS congruency rule, triangle ABC, sorry ABD, triangle ABD जो है that is congruent to triangle BCD। ये दोनों triangles आपस में क्या हैं, congruent हैं। और आपको पता है, मैंने भी बताया था CPCT के according, अगर कोई भी दो triangles आपस में congruent हैं तो उनके corresponding parts भी क्या होंगे, equal होंगे। that means that angle ABD इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। क्लियरली ए बी डी अगर सी बी डी के बराबर है तो ये बाइसेक्ट हो चुका है। ऑल्सो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी भी जो होगा दैट इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, और ये दोनों कैसे हुआ, बाय CPCT, hence proved कि ये bisect हो चुका है। आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना होगा, therefore since both the parts are equal, therefore BD has clearly bisected it. Clear? Quickly note down करिए, आपको statements लिखना बहुत ज़रूरी है, ये मैं बार बार बोलते चल रहा हूँ, statements के बिना marks नहीं मिलेंगे, note it down। आते हैं हमारे next question की तरफ। In the adjoining figure OA is equal to OB and OD is equal to OC, यानी कि OA जो है वो OB के बराबर है, OC जो है वो OD के बराबर है।
शो दैट ट्राइंगल ए ओ डी विच मीन्स ए ओ डी दिस इज द ट्राइंगल दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ सी बी ओ सी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये देखते हैं, लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ये इन्हीं दो ट्राइंगल्स में काम करना है, कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ओ सी इज इक्वल टू ओ डी हमें पता है, गिवन है, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। नेक्स्ट ए ओ इज इक्वल टू ओ बी भी गिवन है हमारे पास, और क्या गिवन है, ये थर्ड साइड तो हमें पता नहीं है कि इक्वल है या नहीं, तो क्या लगाए हैं आप देख सकते हो कि यहाँ एंगल ए ओ डी जो है, दिस एंगल इट इज़ इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? देखिए, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, वाई रीज़न इज़ वेरी क्लियर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आप सब ने बचपन में पढ़ा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आपको पता है कभी भी इस तरीके से अगर गिवन रहे कोई फिगर देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दीज आर नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, सो दीज टू एंगल्स आर वेरी क्लियरली इक्वल एंड देयरफॉर वी कैन राइट दैट ट्राइंगल ए ओ डी, कैसे, यहाँ देखो एस एस और बीच का एक एंगल, साइड एंगल साइड, मैंने क्या बताया था एस एस में कि एक साइड दो साइड्स लोगे और उनके बीच का एंगल, यहाँ पे भी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, देयरफॉर आप लिख सकते हो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, हमें सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है ए डी पैरेलल टू बी सी। अब आप देख सकते हो दैट ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए एंगल ओ ए डी जो होगा, सेकेंड पार्ट पे अब हम लोग आ रहे हैं, एंगल ओ ए डी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, क्यों? वेरी सिंपल, द रीज़न इज सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, बट साफ साफ हमें दिख रहा है दीज फॉर्म अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या है? ये इक्वल तो आपको मिल गए, लेकिन आपको साफ साफ पता है कि ये क्या है, आपस में अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है, देयरफॉर इट इज़ वेरी क्लियर, जब भी अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स अगर आपस में इक्वल आ जाए, इसका मतलब लाइंस क्या हैं, पैरेलल है, देयरफॉर ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। कभी भी अल्टरनेट पेयर ऑफ, आपको पैरेलल प्रूफ करने बोला गया है, क्या करना होता है पैरेलल प्रूफ करने में, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना होता है, हम लोगों ने अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स को प्रूफ कर दिया, देयरफॉर ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। क्विकली नोटेड डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question, AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. It is saying that AB एक line segment है और line L जो है इसका perpendicular bisector है। Perpendicular bisector का मतलब क्या होता है, that अगर आप किसी भी line पे एक perpendicular bisector draw करो, it means ये इसको दो equal parts में divide करेगा सबसे पहले, and at what angle, 90 degree पे, ये दोनों तरफ 90 डिग्री बनाते हुए इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी इससे हमें क्लियर समझ में आता है दैट ए एम इज इक्वल टू बी एम। तुरंत आप क्या क्या साइड्स आपको मिल रहे हैं वो ले लें, ए एम जो है वो बी एम के बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स कितने होने वाले हैं, 90 डिग्री, विच मीन्स वी कैन राइट एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल पी एम बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्यों होगा, ये दोनों इसलिए हो रहा है बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल वॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए। अब आगे सवाल क्या बोल रहा है वो हमें देखना है, इफ पी इज अ पॉइंट ऑन एल, बोल रहा है एल लाइन पे पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, देन शो दैट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, बोल रहा है आपको प्रूफ करने दैट पी जो है वो ए से भी इक्वी डिस्टेंट है और बी से भी इक्वी डिस्टेंट है, यानी यू हैव टू प्रूव दैट ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये आपको प्रूफ करना है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर हमें ए पी इज इक्वल टू पी बी प्रूफ करना है तो क्लियरली हमें ये ट्राइंगल कंसिडर करना होगा, ए पी एम और बी पी एम। सो लेट्स टेक इन ट्राइंगल ए पी एम एंड ट्राइंगल
BPM. क्लियरली आपको पता है APM और BPM में AM इज इक्वल टू BM है, जो अभी हम लोग निकाला था यहाँ पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था. सेकंड थिंग, एंगल AMP जो है वो एंगल PMB के बराबर है, दैट इज़ 90 डिग्री. एंड थर्ड थिंग, PM जो है वो तो दोनों में कॉमन है, PM इज़ कॉमन, दैट इज़ PM इज़ कॉमन, दोनों में से साइड की तरह सर्व कर रहा है. तो अब देखिए कौन सा थ्योरम इसमें आप लगा सकते हैं. PM एक साइड हो गया, साइड बीच में ये एक एंगल हो गया, एंगल, और फिर ये साइड. ऐसे एस थ्योरम इसमें लग सकता है. और ऐसे एस थ्योरम क्या कहता था, दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल. हम लोग उसी चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं. देयरफॉर बाय एस ए एस, ट्राइंगल ए पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी एम. और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी वी कैन क्लियरली से दैट ए पी इज इक्वल टू बी पी. देयरफॉर AP is equal to BP, कैसे, by CPCT, very simple. तो अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल पार्ट है ये, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी, टू ईजी, नोट इट डाउन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू टूडेज लास्ट क्वेश्चन. गिवन दैट AB is equal to PQ, which means AB is equal to PQ, this side is equal to this side, then BR is equal to CQ. Clearly आप देखेंगे BR is equal to CQ है, BC is equal to RQ नहीं है, BR is equal to CQ given है. यानी बस ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट जो है वो इस पार्ट के इक्वल है. एंड PQ, AB perpendicular to BC, यानी ये perpendicular, यानी ये 90 डिग्री है. PQ perpendicular to RQ, यानी ये साइड भी 90 डिग्री पे है. प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू पी आर. आपको क्या प्रूव करना है, दैट ए सी और पी आर जो ट्राइंगल्स के दो साइड हैं वो आपस में इक्वल. ऑब्वियस सी बात है, ये दो ट्राइंगल्स हैं, आपको एक एक साइड को इक्वल प्रूव करना है. सी पी सी टी से होगा, कब होगा, जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ए बी सी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे. आइए देखते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करना है. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर में देखिए क्या होने वाला है. सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन यहाँ पे, ठीक है. देन एंगल ए बी सी, जो एंगल ए बी सी हमारे पास है, दैट विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर. एंगल पी क्यू आर, एंगल ए बी सी दोनों इक्वल है, दैट इज 90 डिग्री. क्यों, गिवन था दैट इट इज परपेंडिकुलर. अब थर्ड जो हमारे पास साइड होना चाहिए था, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, लेकिन हमारे पास बी सी इज इक्वल टू क्यू आर ना देके बी आर इज इक्वल टू सी क्यू गिवन है. तो अब हम थर्ड साइड कैसे लाएं. ऐसे ऐसे काम तो हमारा बन जाएगा, साइड, एंगल, साइड, लेकिन ये पूरा साइड तो इस साइड के इक्वल दिया ही नहीं है, बस उसका एक पार्ट गिवन है. आइए देखते हैं हमें ये कैसे करना है. ऐसे हम लोग साइड में करने वाले हैं, हमें पता है दैट बी आर इज इक्वल टू सी क्यू है, बी आर इज इक्वल टू सी क्यू गिवन. अब अगर बी आर में हम लोग आर सी ऐड कर दें और सेम पार्ट दूसरे साइड भी ऐड कर दें तो कोई प्रॉब्लम है, सेम चीज़ को एडिशन करना कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ लीगल. बी आर प्लस आर सी क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू सी क्यू प्लस आर सी क्या हो जाएगा, क्यू आर. एंड देयरफॉर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं दैट बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. थर्ड साइड भी हमें इक्वल मिल गया, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. कैसे किया हम लोगों ने, बी आर सी क्यू के बराबर गिवन था, दोनों में हम लोगों ने सेम पार्ट को ऐड कर दिया. अगर आपके पास 4 गिवन है, 4 इज इक्वल टू 4, आप अगर 4 प्लस 2 करते हो और इधर भी प्लस 2 करते हो तो क्या ये गलत है, नहीं बिल्कुल सही है. 6 इज इक्वल टू 6, स्टिल दे आर इक्वल टू. मैंने भी वही काम किया, दोनों साइड आर सी को ऐड कर दिया, सेम चीज़ ऐड किया, इक्वेशन रिमेन्स द सेम, बस हमें अपने फायदे के हिसाब से बी सी इज इक्वल टू क्यू आर मिल गया. अब आप इसमें लिख सकते हो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. एंड देयरफॉर बाय एस ए एस, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. और अगर ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट है, देन क्लियरली ए सी इज इक्वल टू पी आर बाय सी पी सी टी. अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी ए सी इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा आसानी से. आई होप आज के इस वीडियो में आपको ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे. आज मैंने एस 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 और एस ए एस थ्योरम को डिस्कस किया है. आगे मैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज 9.1 पे वीडियो लाने वाला हूँ. आप लोगों से उम्मीद रखी जाती है कि आप लोग आगे के एक्सरसाइज को बनाएंगे, और अपने जितने भी डाउट्स हैं मुझे भेजिए, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए.
मैं आपसे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के डाउट्स हैं उन्हें नेक्स्ट डे सॉल्व करने वाला हूँ। आई विल ब्रिंग आउट अ वीडियो ऑन एक्सरसाइज 9.1। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।